Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Hey Daman Ji, what are you doing? What a mistake. Now we know that our daughter is not coming to you. When she is so beautiful and hot girl, where is our daughter from? Where will our daughter come from? Hey, Tamanna is an actress, she's very big. Let's see her in front of you. तमन्ना तो हर आदमी की होती है कि ऐसी सुंदर लड़की मिले. हमारी बिटिया कहाँ रखी? ए बेटी, जल्दी आओ, ये देखो दामाद जी यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. ए, लेट मत करो, कहीं गुलछर्रे उड़ न जाए. अरे ये तो इनकी सेलिब्रिटी गैस है तमन्ना भाटिया. ये तमन्ना भाटिया बाहुबली वाली, राइट? तब तो मिलना पड़ेगा. ये क्या कर रही है आप? अरे बाहुबली जब इनके लिए बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ सकता है तो मैं इससे कूद नहीं सकते हैं. तमन्ना जी आपके बहुत बड़े फैन है. अरे उससे बड़ा फैन तो हमारा बेटा गोली है, उसको बुलाते हैं. गोली, ए गोली. सॉरी तमन्ना, वो मम्मी को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई. सॉरी, गलत फहमी होगी. गलत फहमी नहीं, फैमिली गलत है ये सारी. मेरे बेड से चादर उठा के साड़ी बना ली, अब मैं कैसे सोऊंगा उधर? इनकी फैमिली देखो आप, इसकी माँ बाप लगती है, बाप इसका माँ लगता है. रिश्ते की माँ बहन करके रखी इन लोगों ने. शर्मा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सास ससुर है वो आपके. और आप कौन लगती हैं? मेरी दीदी. दीदी? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ. ये बार बार आके मेरे को बोलती बीवी. देखो अगर थी भी ना, तो मैं अभी कैनेडा में था, वहां पे एक बियर मिलती है, वो पी के तो मैरिज डिटॉक्स हो जाती है. कौन सी बियर से मैरिज डिटॉक्स होती है? बियर से नहीं होता, जो बियर लेके आती है उसको देख के हो जाती है. अच्छा तमन्ना, दरअसल बात यही है कि ये इनकी याददाश्त जा चुकी है. कुछ बातें वैसे याद हैं, सिर्फ बाय मिस्टेक इतना भूल चुकी कि मैं इनकी बीवी हूँ. बाय मिस्टेक नहीं, बाय लक. पूरी फैमिली फ्रॉड है. कौन फैमिली होती है जो बेटी के माँ बाप 6-6 महीने से दामाद के घर में पड़े रहे? ऐसा होता है कभी? अरे पड़े हैं क्या, क्या मतलब? वो तो आप ही के लिए यहाँ रुके हैं. आप काजू खाओ ना, तुम भी जाके बाहर से बड़ा पाव खा के आओ ना. नहीं थैंक यू. अरे नहीं नहीं, इनको नहीं हजम होगा, महंगी चीज है. थैंक यू सो मच. देखा, कुछ सीख लो अपने गेस्ट से. इसको लेमिनेशन करवा के रखो. कोई नहीं, अभी भी पतले हुए हो, छोड़ दो. लेमिनेशन? काजू से मोटा होता आदमी. आई थिंक सो ना. आप कैसे पतले हुए? मैं तो बस यही परेशानियों से ही पतला हो गया हूँ. चलो कुछ तो फायदा हुआ मेरा, आप पतले हो रहे हैं. और मम्मी पापा आप ही के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, वरना गांव में हमारे भी पूछते नहीं हवेली है. कौन सी हवेली है तुम्हारी गांव में? हवेलियां होती हैं, बड़ा सा दरवाजा, फिर आगे हॉल, फिर और कमरे. इनकी हवेली देखी? दरवाजा, हॉल, आगे बुरा हाल. है कुछ नहीं. एक सेकंड, हवेली याद है, मैं नहीं. ये ना स्ट्रेस में ऐसी बातचीत कर रहे शर्मा जी. आप ऐसा कुछ करती क्यों नहीं कि उनको याद है कि आप हो? जैसे कि कोई गाना. ये फिर तो मुझे माँ बाप भी भूल जाएंगे अगर इसने गाना गा दिया. देखिए शर्मा जी, मुझे पता है स्ट्रेस है, इसीलिए डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप स्ट्रेस से दूर रहा कीजिए. तो दूर रहो ना, उधर जाओ आप. आप क्यों आती है मेरे पास? क्योंकि हमारी शादी हुई है शर्मा जी. ऐसे बोलने से क्या होता है? ऐसे तो मैं कल को बोल दूंगी तमन्ना की मेरे साथ शादी हुई है, मान थोड़ी जाएगी वो. मैं भी वहीं चले जाऊंगी जहां आप गए थे, वो शादी का डिटॉक्स कराने. इधर आओ, ये फैमिली है, ये देखो इसको. क्या ये सारा कचरा मेरे घर में रखा हुआ है 6 महीने से? झूठ बोली जा रहे हैं मेरी इससे शादी हुई. कैसे शादी हुई? क्या सबूत है तुम लोगों के पास? ये सबूत है दामाद जी. मम्मी कैसे हो सकता है ये सबूत? क्या बोल रही हो तुम सबके सामने? पूरी बतिया तो सुनो, काहे पत्थर पत्थर बीच में बोल देती है. ये देखो आपस में माँ बेटी लगती, इनका एक्सेंट ही नहीं मिल रहा. माँ भोजपुरी में बात कर रही है. ये पता तू कौन सी पूरी? हाँ तो आपसे शादी हुई ना, आपसे सीखी है मैंने. हट हट हट, पूरी बात. और ये क्या सबूत हुआ जी? अरे पूरी बात तो सुनिए. शादी के बाद तुम्हारी विदाई हो गई थी, घर सुना सुना हो गया था, तुम्हारे बाप के साथ मेरा चुना मुना हो गया था. आ जीजा कैसा है? अबे मत करे, मारूंगा एक. खबरदार मुझे जीजा कहा तो. जरा ये इनका बेटा देख लो, खुद स्कूल में पढ़ता है, मूछें इसकी बीए पास है. देखो ये
ये देखो चूसा हुआ राहुल रॉय। अरे दामाद जी और साले साहब का ऐसा मजाक हंसी चलता रहता है। एक गोली देख देख पहचान पहचान। हम लोगों भी अंदर बैठ के पिक्चर देख रहे थे, हाथी घोड़ा तलवारबाजी ये सब हो रहा। अरे मम्मी पता है बाहुबली की तमन्ना भाटिया है, अभी इनकी फिल्म आ रही है बबली बाउंसर। हाय हाय। इंस्टा में 17 मिलियन फॉलोवर है। इन्होंने ब्लू कोट में फोटो डाली थी, हमने पूरा 4 दिल कमेंट किया था, रिप्लाई कर देना, दबदबा बना रहेगा। मम्मी इतनी छोटे बच्चे को मोबाइल क्यों लेके दिया आपने? अरे खरीद के नहीं दिए हैं, किसी के जेब में पड़ा मिला था। छोटा है ना कहीं भी घुस जाता, कल तो फ्रिज में सो रहा था। मम्मी इसको छोड़ो, इनको याद दिलाओ। हाँ तम्मा। अरे बाप रे बाप तमन्ना जी। क्या हुआ? क्या हो गया? चेहरा पे इतना ज्यादा ग्लो है कि हमारी आंखें चौंधी आ गई। हमारे पति देखेंगे आपको तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं मर जाएंगे। एक बात बताइए तमन्ना जी, अपना डाइट प्लान बताइए ना, क्या खाती है जो इतनी सुंदर इतना ग्लो है? अपना कमा के अपना खाती है, दामाद के घर का नहीं खाती है, बस इसीलिए ग्लो है। बताइए ताकि अपनी बेटी को खिलाएं, ये भी सुंदर लगे, तब आपको याद आएगा कि यही आपकी बीबी है। ये डाइट से कुछ नहीं होता, माँ बाप के जीन्स भी कुछ चीज होते हैं। नहीं हमारे पति जीन्स नहीं पहनते, कुर्ता पजामा पहनते हैं। हाँ वो बात अलग है, हम कभी कभी जीन्स पहन लेते हैं। अरे मम्मी जीन्स मतलब डीएनए, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, पता है सेम मतलब। अच्छा वैसा। हाँ, वैसा तभी तुम बाप पे गई हो, अगर मुझ पे गई होती ना दामाद जी कभी भूलते ही नहीं तुमको। हमारे खानदान में ऐसा ही है, बेटी बाप पे जाती है और बेटा माँ पे। ये अगर आप पे गया है तो शुक्र है मैं पापा पे गई हूँ। ए दीदी मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यहीं खड़ा हूँ ना। क्यों जीजा? ओए जीजा पर मैं तेरे नाड़े से पढ़ के घुमा देना तेरे को, मैंने बोला जीजा नहीं बोला मेरे को। ए दामाद जी काहे इतना गुस्सा होते हैं? कभी कभी तो मेरे को लगता है यही लाइनें मार रही, काहे गुस्सा, तू क्यों ना गुस्सा। दामाद जी एकदम ठंडे दिमाग से रहा करिए, क्योंकि गुस्से में निकली बात और अमावस्या की रात बहुत खतरनाक होता है। आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं होती होगी, ऐसा मुंह है ना, ऐसे कनाडा में रकून होते हैं, उनको भुगाओ तो यूं खड़े होकर देखने लगते हैं आपको। अरे दामाद जी देखिए अब हम जैसे भी है ठीक है, बट हमारी बिटिया को याद कर लीजिए। हम आपको याद दिलाते हैं, आप शादी के मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हमारी बिटिया नाक में उंगली कर रही थी। मम्मी, क्या बोल रही हो तू? बेटा कुछ विजुअल ऐसा होता है कि दिमाग से जाता ही नहीं। अब दामाद जी आपको याद है फेरों के वक्त लखनऊ वाले फूफा जी दारू पी के आपको चूम रहे थे? ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा हाँ, बाद में वही जो जूते में दही डाल के पी रहे थे। और उसके बाद 3 लड़की आई थी दुल्हन को लेके। हाँ वो जो पीली वाली बड़ी अच्छी खूबसूरत थी वो। अच्छा, हाँ वही वही। और पीली वाली के बगल में हमारी नीली वाली भी तो खड़ी थी। याद आया? ये नहीं याद मेरे को। ए दीदी अगर तुम्हारा शकल भी ना पीली वाली की तरह होता जीजा को याद आ जाता। क्यों जीजा? भाई हट भाई। तेरे को मैं एक उल्टे हाथ का दूं क्या? हाँ तू किसकी तरफ है? चाहो तो सीधा हाथ मार लो, मैं तो उसी की तरफ रहूंगा ना जो हमें रोटी खिलाएगा। हाँ। आप लोग तो खिलाते नहीं। क्या कह रहे? सबके सामने परिवार का बेइज्जती करता है। इसमें बेइज्जती क्या? आप लोगों ने ही तो सिखाया है ठंड और बेइज्जती, जितना महसूस करो उतना ही लगती है। भूल जाते हैं ये लोग। मम्मी इसको छोड़ो, आपने कहा था ना इनको याद दिलाने का कोई एक तरीका है, क्या है वो तरीका? हाँ बिटिया याद आया, सुनो पूरी रात ना सोहत में लहसुन भिगो के रखो और सुबह दामाद जी को खिला देना। उससे क्या होगा? शहद और लहसुन खत्म हो जाएगा। और जीजा नहीं सुधरने वाला। क्यों जीजा? मैंने तेरे मारना है कि मेरे को जीजा कहा तो। मम्मी आप एक काम करो, आप ना मेरी दूसरी शादी करवा दो, तब इन्हें शायद याद आ जाए कि मैं ही इनकी बीवी हूँ। ए बेटी तुम्हारी पहले ही बड़ी मुश्किल से हुई है। निकलो यहाँ से, पर तू तो मेरे पास आया ही मत कर। झाड़ू लेने जाऊँ तो ऐसी नील की डब्बी फ्री मिलती साथ में। चलो यहाँ से, बदतमीज लोग। नहीं दामाद जी हम जा रहे हैं।
दोस्तों हमारे बीच फिल्म बबली बाउंसर के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। मधुर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मधुर सर के हम बहुत बड़े फैन हैं हम सब, क्योंकि एक माल कमाल की फिल्में बनाते हैं, चांदनी बार, पेज थ्री, और बड़ी रियलिस्टिक फिल्में होती हैं। सर ये वाली जो आपने फिल्म बनाई बबली बाउंसर, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? रोका था किसी ने पब में आपको? क्या हुआ क्या आपके साथ? मुझे कौन रोकेगा क्लब में यार। हमने देखा फिल्म इंडस्ट्री में कितने जगह कि मेल बाउंसर होते हैं, तो मैं एक आधा पब में गया जहाँ पे मैंने लेडी बाउंसर भी देखा। अच्छा जी। तो मुझे लगा कि इस पे सब्जेक्ट बनना चाहिए और एक अच्छी कॉमेडी, एक हार्टफेल्ट, बहुत ही रोमांटिक फिल्म बन सकती है। तो उस वर्ल्ड को हमने एक्सप्लोर किया, फिर उसमें रिसर्च किया, फिर हमको पता चला कि एक बाउंसरों का गांव है दिल्ली से थोड़ा नजदीक है, वहाँ लोग आते हैं दिल्ली एरिया में। अच्छा जी। और किस तरह से लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे। वाह, ये एक्चुअली जो चीज देखते हैं उस पे फिल्म बना देते हैं। आप जब किसी पार्टी में जाते हो, बच के रहना भाई, लोग डरते नहीं आपसे? बहुत डरते हैं यार कि हम पे फिल्म ही ना बना दे। बहुत बहुत डरते। मैं हॉस्पिटल में चला जाता तो वहाँ पे डॉक्टर्स मेरे को देखते, सर आप हम पे तो फिल्म नहीं बना रहे ना। कहीं इंस्टीट्यूशन में चला जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को बोलते हैं आप डोनेशन पे फिल्म बनाइए। तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग थॉट पे फिल्म बनाने का। और जो ये दर्शक बैठे हैं, इन्होंने इतना प्यार सफलता मुझे दिए, नेशनल अवार्ड दिए हैं। बिल्कुल, ये दर्शक की वजह से हम लोग यहाँ पे। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुर सर, आपने तमन्ना जैसी इतनी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है मुझे, मुझे क्या सारी दुनिया को लगती है, इनको आपने बबली बाउंसर के लिए चुना, इनको कहीं मारपीट करते देख लिया था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था। मैंने तो बाहुबली देखी थी इनकी पिक्चर। अच्छा जी। बाकी जब मुझे लगा कि रोल के लिए बबली के लिए बहुत ही अच्छी लगी गई है, और मैंने मिला इनको, नरेशन दिया, इतनी हंसी है पूरे नरेशन सुन के, बिकॉज फनी है, मूवमेंट्स है, इमोशन है, सब है उसमें, एंड मुझे लगा फिट होगी रोल में। और मेरे ख्याल से शी हैज रियली ओवरशैडोड द स्क्रिप्ट आल्सो, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने चांदनी बार बनाई तो वो लड़की की कहानी थी, तब्बू जी ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था, बड़ी अच्छी फिल्म थी। कैलेंडर गर्ल्स बनाई, वो लड़कियों की कहानी है, फैशन है वो भी लड़कियों की कहानी, बाउंसर वो भी लड़कियों की कहानी, लड़कों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनके ऊपर आपका भी फिल्म नहीं बनाते? मुझे लगता है कि कपिल तुम पे बायोपिक बननी चाहिए। बायोपिक बननी चाहिए कि नहीं इन पे? अरे देखो पब्लिक, कपिल पे बायोपिक बनती है और मेरे को लगता है मैं बना लूंगा उसपे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अनफोल्डिंग हुई, बहुत सारे खुलासे होंगे उसमें, तुमको याद भी आ जाएगा जो चीज तुम भूल चुके हो। नहीं, नहीं। अब बोली दो यार। सर एक बात बताइए, जब आपने पेज थ्री बनाई, आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, मीडिया में क्या होता है, ये तो आपने करीब से देखा है। हाँ। उनके ड्राइवर आपस में क्या बातें करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये एक दिन क्या हुआ, मेरा एक फाइव स्टार होटल के बाहर मैं पार्टी में गया था, 15 साल पहले की बात है, तो नेटवर्क नहीं लग रहा था, मेरा ड्राइवर को फोन करा था, फोन लग नहीं रहा था, तो मैं चल के नीचे गया, तो वहां पे गया तो मैंने देखा एक पूरा ग्रुप ड्राइवरों का आपस में बातचीत कर रहा है। तब बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स थे वहाँ पे, उनके ड्राइवर्स थे वो। मैंने उसको बुला लिया, बोले आ जा भाई, फोन नहीं लग रहा तो आ गया। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या हो रहा, क्या बातचीत कर रहे तुम लोग, तो वो बता रहा था उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला। तो मैंने मेरे ड्राइवर से पूछा तूने मेरे बारे में क्या बोला? तो बोलता है मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, मुझे पता वो झूठ बोल रहा था। मेरे ख्याल से मैं जो हूँ फिल्में बनाता हूँ एक ऑडियंस के लिए बनाता, और मेरा जो सिनेमा आता है समाज का एक आईना होता है। सो दोस्तों अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े अहम किरदारों को यहां पे आमंत्रित करने का। बड़े ही कमाल के एक्टर्स हैं, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ शुक्ला एंड सुप्रिया शुक्ला जी। सुप्रिया जी, सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं। मैं बल्कि ये समझ रही हूँ कि मैं इस शो में आई हूँ तो अब मुझे और ज्यादा अच्छी फिल्में मिलेंगी। अरे बाप रे, आपका शो बहुत लकी है कपिल। ये आपका बड़प्पन है सुप्रिया जी, हम आपको देखते रहते हैं, आप बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं। ये वैसे भी काफी बड़ी हैं, इसलिए इनका बड़प्पन है। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, एज काफी है। सीधा क्यों नहीं बोलते, आप रुमाल रखने की सोच रहे हैं? मेरे को लगा कि अच्छा सौरभ शुक्ला जी, सुप्रिया शुक्ला जी, मतलब हस्बैंड वाइफ है। एकदम से आ जाता ना। फिर मैंने देखा सुप्रिया जी, मैं कह रहे सुप्रिया जी को तो हम लोग देखते हैं। इनफैक्ट सौरभ सर और मैं ये तीसरी फिल्म साथ में कर रहे हैं, बट पहली बार हम लोग एज अ मतलब हस्बैंड वाइफ बने हैं फिल्म में। इससे पहले भी हमने दो फिल्में करी हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और मैं तेरा हीरो,
लेकिन हम एक सीन में भी होते थे, लेकिन हमारे कोई डायलॉग्स ऐसा नहीं हुए। बड़े अच्छे दिन थे वो। क्योंकि सौरभ सर जब बोलते हैं ना तो फिर मैं इम्प्रोवाइज करने लग जाती हूँ, फिर वो इम्प्रोवाइज करने लग जाते हैं और सर कट ही नहीं बोलते और हमें लगता है कि अरे कुछ ज्यादा हो गया, फिर सर तुम चुप रहो, मिलो मिला आप चुप रहो। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बोलता एक्चुअली कौन है। हाँ तो क्यों ना बोले हैं भाई, जबान दिए भगवान ने तो बोलेंगे ना। अरे क्या बात है, शाबाश। सौरभ सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतने ज्यादा फिट हैं कि हर रोल में फिट हो जाते हैं। हाँ, एकदम। हाँ। कॉमेडी करवा लो, क्राइम सीरीज करवा लो, सोशल ड्रामा करवा लो, आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के आलू हैं ये, हर चीज में फिट हो जाते हैं। आप कोई भी OTT खोल के देख लो, हर दूसरी सीरीज में ये आपको दिख जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, आलू है, लेकिन आजकल आलू जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सर आप इतनी सारी वेब सीरीज में जब आते हैं जी, हर दूसरी सीरीज में आप होते हैं, हाँ, तो घर पे जब उठते हैं आप तो घर वाला आईना देखते हैं कि OTT पे अपने आप को देख के तैयार हो जाते हैं आप? आप तो हैं ही हर जगह। ऑन अ सीरियस नोट, ये बात एक्चुअली सही है कि मैंने बहुत ज्यादा वेब सीरीज की नहीं है, बहुत ज्यादा फिल्में भी नहीं की हैं। आई थिंक ये लोगों का प्यार है और आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द रोल्स वेयर आई गॉट नोटिस्ड। द होल पॉइंट इज दैट इफ यू गेट नोटिस्ड राइट देन यू आर इन द मेमोरी ऑफ पीपल। और आपके किरदार सर हमारे जहन में बस जाते हैं। अगर मैं सत्या की बात करूं, कल्लू मामा का किरदार हो गया या जॉली एलबी ने जो आपने जज का किरदार निभाया, नॉर्मली जज के पास बोलने को कुछ होता नहीं है, पर आपने उस करेक्टर को इतनी बखूबी निभाया, वो छोटे छोटे नुआंसेस, इतना मजा आता सर देख के। वाओ सर, वी लव यू सर। थैंक यू सर। इस फिल्म में जैसे आप पहलवानी सिखा रहे हैं, आप खुद कभी लंगोट पहना है, मतलब पहलवानी की कभी ऐसे जवानी में? हाँ, अंडरगारमेंट्स पहने हैं, लंगोट नहीं पहना। और वैसे भी इसको अगर थोड़ा और दूसरे तरीके से कहें तो इस दुनिया में डकैत होते हैं और बकैत होते हैं, तो मैं बकैतों की उसमें हूँ कि मतलब मैं पहलवानी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने मुझे थैंकफुली इसने करवाई नहीं मैसे। थैंकफुली सौरभ सर, हमारे इस समय भी स्टूडियो में बड़े सारे ऐसे दर्शक मौजूद हैं जो यू नो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ ऐसा गुण बता के जाइए गुरुदेव, आप इतने कमाल के एक्टर हैं। कई कई बार क्या होता है, मैंने खुद एक दो फिल्में की हैं, वैसे मुझे लगता है कि मैं तो छा जाऊंगा, और जैसे एक्शन कैमरा शुरू हो गया तो ना मेरा ये होठ हिलने लगता है, होता ना कॉन्शियस हो जाता है। झूठ बोल रहा है, इससे बड़ा एक्टर नहीं है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है। अरे नहीं सर, एक्टिंग में और कुछ नहीं होता है, वही हंसना होता है, वही रोना होता है, वही आपकी फीलिंग्स होती हैं, अलग कुछ नहीं होता। इंसान जो है वो एक ही जैसा हो, एक्चुअली इमोशंस तो सभी के एक जैसे। बहुत खूबसूरत बात है सर। हमने अखबार में एक चीज सुनी है, हाँ, कि भाई साहब श्रीराम सेंटर में जाते थे तो इन्होंने कहीं कोई देखा कि ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही हैं और बोलते हैं कि साथ में ठीक ठाक से लड़के खड़े थे, तो मुझे लगा कि अपना इधर कुछ हो सकता है। सर ये बात सही है? आप थिएटर में, ये बात एकदम सही है। सर इतने नॉटी भी रहे हैं आप। ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि मैं इतना नॉटी रहा हूं, इन्फॉर्मेशन सही है कि मैं इतना ही नॉटी हूं। तमन्ना एक बात बताओ, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या आपको लगता है क्या होती हैं आप? कपिल शर्मा होती। क्या बात। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.